हाँ जी सारों सत श्रीकाल जी। चिचड़ां दी जिहड़ी हैगी समस्या हुण बहुत ज़्यादा वधणी है। बरसात हो गई है, जिहड़ी बरसात तो बाद एकदम गर्मी भी वधणी है और चिचड़ां दी समस्या बहुत वधणी है। और दोगलियां गावां दे विच कुछ हद तक मझां दे विच भी दोगलियां गावां च मुख तौर ते एक बीमारी देखण नूं मिलदी, उहनूं असीं कहिंदे थलेरिया जां कनेडू रोग। इस बीमारी का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा पैंदा है और इस बीमारी दे विच असीं पिछले साल देखिया जदों लंपी आई, लंपी दी जिहड़ी आउटब्रेक हुई उदों जिहड़ियां गावां दे विच थलेरिया दी प्रॉब्लम सी उन्हां गावां च मौत दर बहुत ज़्यादा सी। मतलब कि जिहड़ियां गावां च चिचड़ां नाल संबंधित कोई भी बीमारी सी उन्हां गावां च मौत दर बहुत ज़्यादा सी। और जिहड़ा थलेरिया हुंदा तुसीं आप देखदे हो, जिहड़े थलेरिया दे इलाज वास्ते टीके आउंदे आ ब्यू पारवाकोन दे, जिवें ब्यूटालैक्स आउंदा है, होर कंपनी दे भी आउंदा है, 12-12 13-13 सौ रुपए दे टीके है। सो सब कुछ करन दे बावजूद भी थलेरिया च आम देखदे आ भी जिहड़ी खून है उह 5-6 ग्राम तक रहि जांदा है और गां जिहड़ी चंगी गां हुंदी है खास करके उहनां नूं इह फड़दी है बीमारी ते गावां दी मौत बहुत ज़्यादा हो जांदी है। थलेरिया दे विच असीं काफ़ी सालों ते कर रहे हैं भी वैक्सीन लगवानी चाहिए है और जिहड़ी वैक्सीन है उहदा इह सही समां है क्योंकि अप्रैल दे महीने च जिहड़े हैगे थलेरिया दे केस आउणे शुरू हो जांदे है। मैं सारे पशु पालकां नूं इही कहूँगा भी जिहड़ी थलेरिया है, थलेरिया रोग हैगा जां कनेडू रोग हैगा, इहदी वैक्सीन जिहड़ी हैगी इह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल दी वैक्सीन आउंदी हैगी। बाज़ार दे विच इह वैक्सीन आम उपलब्ध नहीं हुंदी क्योंकि इह वैक्सीन लिक्विड नाइट्रोजन जां जिहड़ा सीमन वाला सिलेंडर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5 ਡੋਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13 ml ਡਾਇਲੂਐਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲੂਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 3 ml ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥਲੇਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, 150-200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। और तुसी आप देखोगे असी पिछले साल भी मैं अपने हस्पताल दे आले दुआले बहुत सारिया गावों नूं वैक्सीन लवाई सी और वैक्सीन ये बहुत ही कारगर है। मेन गल यही है भी देखो वैक्सीन लगवाउण दा समां सही होना चाहिए, फरवरी ते मार्च जिहदी वैक्सीन लगनी चाहिए। जिवें अजकल तुसी देखो हुण मौसम चल रहा हुण बिल्कुल सही समय है क्योंकि पहला असी लंबी दी वैक्सीन लगी नूं 15-15-20 दिन हो चुके, 20 दिन बाद लंबी तो असी ये वैक्सीन लवा सकते हो। दूजी गल ये ध्यान रखना है जिथे असी वैक्सीन लवाई है थोड़े दिन तक 2-4-5 दिन तक गावां च हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, उहदे वास्ते तुसी कोई दवाई नहीं देनी, सिर्फ बुखार का टीका लाना है जां गावां ते पानी भी मार सकते हो भी थोड़ा जिहा टैंपरेचर जिहड़ा हैगा उहदे नाल कंट्रोल हो जाए। जिहड़ी वैक्सीन सही लगेगी वैक्सीन थोड़ा बहुत रिएक्शन करती है तो उहदे करके गावां च बुखार हुंदा है। दूजी गल चिचड़ां दा जिहड़ा कंट्रोल है वह हुणे तो आपां शुरू कर देना है, 15-20 दिन बाद तुसीं चिचड़ां दी दवाई भी स्प्रे कर सकते हो, 3 ml प्रति लीटर के हिसाब नाल दवाई जिहड़ी स्प्रे कर सकते हो। और सब तो वधिया चिचड़ां दा इलाज जिहड़ा मैं हमेशा दसदा वह हैगी फ्लेम गन। फ्लेम गन की वरतों जे तुसीं हाले तक नहीं शुरू की तो जरूर शुरू करो। गर्मियां दे विच जिहड़ी हैगी फ्लेम गन सब तो वधिया विकल्प है, सब तो वधिया हल है चिचड़ां नूं कंट्रोल करन दा। सो मैं यही कहूँगा इहदे वास्ते तुसीं जिहड़ी वैक्सीन है ये वैक्सीन अक्सर कंपनियां तो मंगवानी पैंदी है क्योंकि वैक्सीन सिलेंडर च पैक होकर आउंदी है। तुसी अपने नेड़े कोई प्रोग्रेसिव चंगा जिहड़ा गांवधू किसान हैगा, PDFA दा मैंबर है, जां अपना नेड़ला जिहड़ा पशु पालन विभाग दा माहर है उहतों ही पुछ सकदे हो। ये वैक्सीन तुसी जरूर लवाओ। अगले जिहड़े 6 महीने हैगे मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीनों च अपने केस बहुत ज़्यादा आउंदे है। सो जिहड़ी वैक्सीन है बहुत ही कारगर है, कुछ भी नहीं खर्चा हैगा, 150-200 रुपया गां दे हिसाब नाल कोई खर्चा नहीं। और वैक्सीन दी जिहड़ी इफेक्टिवनेस है वैक्सीन बहुत ही कारगर है, बहुत ही वधिया वैक्सीन है। सो यही मैं पशु पालकों को कहूँगा, बाकी चिचड़ा का भी कंट्रोल करो और नाल तुसीं वैक्सीन लो। ठीक है, धन्यवाद जी, सारों सत श्री अकाल।